किया गया सबको। रेस्क्यू करने के बाद और रेस्क्यू करने के समय की जरा वो भी सुन लीजिए। आइए भी बता रहा हूँ आपको, बॉर्डर पे पता है इतनी गंदी भीड़ है, सारे बच्चे पहने के वो बॉर्डर में भक्के जाते हैं, बॉर्डर क्लोज हो जाते हैं। आज आप बोल रहे हो, आपने एडवाइजरी देखा होगा, कल बोला गया था कि आप किसी भी हाल में निकलो, चाहे कुछ भी हो जाए निकलो। सर लास्ट मोमेंट आपने ये बातें क्यों बोली, जब सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई तब आपको क्यों निकला कि नहीं बच्चों को तो खुद ही अब निकलना पड़ेगा। आपको याद है ना एडवाइजरी कब थी, आज कौन सी तारीख है, 3 मार्च। ये एडवाइजरी कब आई थी, 15 फरवरी। कितनी एडवाइजरी आई, कमाल कमाल है भाई। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे लोग, इतने ओजस्वी लोग, कमाल के लोग। तो इनका कहती है आज लास्ट मोमेंट पर क्यों बताया, लास्ट मोमेंट पर नहीं बताया गया आपको, तो हर मोमेंट पर बताया गया, पर आप लोग निकलने को तैयार। तब तो आप मजाक कर रहे थे, आप लोग खड़े होकर, तब आप चाटी बन रहे थे, तब आप पेटीकोट के गुलाम बन रहे थे, उसमें मजा आ रहा था आपको। तो इसमें दूसरे का दोष थोड़ी है, इसमें आपका दोष है, आपकी परवरिश का दोष है। अपने बाप को गाली दो भाई। रीटा राव जी धन्यवाद। अभराज्योति घोष धन्यवाद। चलिए और सुने, पहले इनकी पूरी सुन लें। सर कल मजबूरी थी, क्योंकि सबने यहाँ पे जानते हैं हमारे एक कलीग की डेथ हो चुकी है सर, मजबूरी थी सबका निकलना, नहीं निकलते सर घर से प्रेशर है सबके ऊपर कि क्या हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए फ्री फ्लाइट, हमें बस बॉर्डर तक सेफली पहुँच चाहिए। हम सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं, हमें नहीं चाहिए, हम ये 10 बार बोल रहे हैं प्लीज हमें इवैक्यूएशन नहीं कराना है, अगर ऐसा इवैक्यूएशन है। तो साहब ये है, तो कहते हमें फ्री फ्लाइट नहीं चाहिए, पैसे दे दो, चलो नहीं चाहिए तो। कितनों ने इसमें से पैसे दिए देखें, अभी वो भी देखेंगे। इनके माँ बाप कितने बेईमान होंगे, जब ये अपना अस्पताल खोलेंगे तब ये क्या हाल करेंगे हमारा। इनको सर इनको पास ही नहीं होने देना चाहिए, और ये होंगे भी नहीं, ये पैसे देके पास हो जाएंगे। बात तो ये है, दिक्कत तो ये, भारत में करप्शन इतना है, मच्छर भी दिख रहे हैं। हाँ जी, अभी तो बहुत कुछ दिखेगा। देखिए एक वीडियो देखा आपने इस लड़की का, बड़े कमाल की बात है, NDTV था ये, और यही लाल वाला NDTV माइक अभी फिर घूम कर पहुँचेगा इसी लड़की के पास फिर से, कमाल की बात है। आइए, अगर हम रोमेनिया से लाया गया है तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते। सेम लड़की, एक ही लड़की है, सेम लाल माइक, कोई दूसरा माइक भी नहीं है। तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा, पर सरकार के असर उन्होंने एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर पहुंच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे। तो सर ये इवैक्यूएशन कैसे हुआ, हम जहाँ से निकले सर हमारी सिटी में कंटिन्यूअस ब्लास्ट हो रहे थे सर, वहाँ पे शेलिंग हो रही थी, जिसका मतलब भी हमें नहीं पता जी। मैं ओडिशा सिटी में थी जहाँ का मिलिट्री बेस सबसे पहले डिस्ट्रॉय हुआ था सर, तो हमें शेलिंग का मतलब तक नहीं पता था सर कि एक्चुअली क्या होता है। और हम ऐसी सारे सिचुएशन से निकले हैं, वहाँ पे खुद से सबको झेल के खुद से बस करके हम बॉर्डर पे पहुंचे सर। कम से कम बॉर्डर पे तो हमें कोऑपरेशन मिलना चाहिए था ना। बॉर्डर पे कोऑपरेशन मिलना चाहिए था। अच्छा, इनका कहने का मतलब है इनके माँ बाप की गलतियों को देश भुगते, मतलब देश का कोई आदमी जाए वहां मरने, आप अपने माँ बाप को बुला लेती। किसने मना किया, नहीं करती तो बुला लेते, इवैक्यूएशन हो रहा था तुम नहीं करते, किसी ने मना थोड़ी किया था, बुला लेते अपने माँ बाप को, आया नहीं सगा बाप भी नहीं आया, माँ भी नहीं आई छोड़ाने। ओहो, अच्छा मतलब बसों में भी भारत की एम्बेसी ने जो बसें कराई उन बसों में बैठकर आए हो, बॉर्डर तक आए हो, बॉर्डर पे अगर भारत सरकार ही बोल देती कि रहने दो भाई हम नहीं जानते कौन है, तो वहां घुस नहीं पाते, पोलैंड से लेकर कोई भी दूसरा देश आपको घुसने नहीं देता, वहां हाथों हाथ बुलाया गया। कमाल के लोग हैं, मतलब ऐसा झूठ, ऐसा गजब का झूठ, ये बच्चे, इनको बच्चे बोलते हो आप। आइए अब इन मोहतरमा को देखिए, वही आर वाला टीवी, वही इन्हीं को पकड़ रहा है और किसी को नहीं पकड़ रहा, इनको एक मिल गई बस। ठीक है, इवैक्यूएशन इज अ ड्यूटी नॉट अ फेवर राहुल गांधी, तुम्हारे बाप दादा नाना नानी अम्मी इनमें से कितनों ने इवैक्यूएशन कराया था मुझे बस इतना बता दो, तब मैं मानूंगा इस बात को। ठीक है, तो इवैक्यूएशन इज अ ड्यूटी नॉट अ फेवर, नहीं नहीं भाई साहब, ये आपकी कौन सी गलत फहमी है ना, ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है, टैक्स भरना ड्यूटी है जो उनके बाप ने नहीं भरा। ठीक है ना, अब वो बताता हूँ कैसे। रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने भी ट्वीट किया भाई, पप्पू ने किया, पप्पू की पूरी पार्टी करेगी। दिस ब्रेव डॉटर ऑफ इंडिया हैज एक्सपोज्ड फेक पीआर ऑफ मोदी गवर्नमेंट एज पीएम होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर वाज बिजी इन इलेक्शन रैलीज, दिस वाज द हैरोइंग एक्सपीरियंस ऑफ अवर चिल्ड्रन इन यूक्रेन, डू लिसन, इन्होंने कर दिया। नीचे मैं तो माँ हूं ना, मेरा माँ का दिल है। सुमित्रा कुमारी यादव आ गई, कहती शी इज माई डॉटर विशाखा, आई एम प्राउड टू बी हर मदर। सुमित्रा कुमारी यादव कोऑर्डिनेटर Zone 10 उत्तराखंड, आई ला क्या बात है, जय बात, गोली चली नहीं कि करण लगे ससुर काए काए, हैं कमाल है भाई। तो कोऑर्डिनेटर है, किस चीज की कोऑर्डिनेटर है, जोन बता रही थी कोई सी पता नहीं, आओ देखें।
सुमित्रा यादव मिल गई और सुमित्रा यादव आ गई और क्या कहती हैं, 46 कपकोट विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी ललित फरसवान जी के लिए मतदाताओं को डोर टू डोर संपर्क किया, जय कांग्रेस जय उत्तराखंड। अरे गजब आंटी, आपकी बिटिया है, अरे तो ऐसी तो होएगी ना, कांग्रेस ही जो गद्दार हो, खून में ही गद्दारी बसी है भाई, कमाल है। तो कांग्रेस की है साहब, कांग्रेस की नेत्री की सुपुत्री है। अच्छा अच्छा, जे लो भैया आ गए। बागेश्वर विधानसभा उत्तराखंड को सम्मानित जनता को अपील करती हूँ, कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत दास जी को भारी मतों से विजय बनाइए। ओफो, मैं तो मरी जाऊं भाई, गजब साहब गजब, कमाल हुई गवा, एक से एक रेजवनवा आता है ससुरा, एक ये आ जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं समझ में नहीं आता, बड़े कमाल की बात है। आप देखिए किस हद तक गिरी हुई हरकत कोई कर सकता है, किस हद तक गिरी हुई हरकत हो सकती है साहब। ब्रेव डॉटर नीचे लिखती जे रही, इनकी माता जी जे रही, सुमित्रा कुमारी यादव, भैया यादव देखना सरनेम पे ही प्रॉब्लम नहीं आने लगे, कहीं लोग आपको पैसे नहीं समझ। सुमित्रा कुमारी यादव, कांग्रेस डिजिटल सदस्य अभियान को जन जन तक पहुंचाकर सर्वाधिक सदस्य बनाने के लिए धन्यवाद, इनको धन्यवाद दे रही कांग्रेस, बिहार कांग्रेस, हे भगवान बिहार कांग्रेस मार ही डाला, कहा बताएं अभी और आने वाला है भैया। चलो ठीक है, दिस इज माई डॉटर विशाखा, कीप इट अप, RSS सुरजेवाला, राहुल गांधी, गजब, माँ की ममता बेचारी पोल खुलवा दी, माँ की ममता ने आज लंका लगा दी कांग्रेस की, माँ ने पूरी सिनेमा खोल डाली। तो ये है, सोचिए कितने नीच, कितने गिरे हुए, कितने गए गुजरे हो सकते हैं कांग्रेसी, कितने गए गुजरे हो सकते हैं कांग्रेसी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये हालत है यहाँ। अब इससे बड़ा सवाल है, मैं इससे बड़ा सवाल आपसे करूंगा, ये तो बात समझ में आती, चलो कांग्रेसी गए गुजरे हैं, वहां पर इवैक्यूएशन जब हो रहा है वहां पर भी NDTV उसी बच्ची के पास जाता है, यहां पर आने पर भी उसी के पास जाता है, ऐसा कैसे हो गया? इतने सारे हजारों बच्चों में, 6000 बच्चों में एक ही बच्ची मिली है, एक ही, या फिर ऐसा हुआ कि पता लगाया गया कौन कौन है अपने बच्चे, और मैं बता रहा हूं यही हुआ है, उन बच्चों को फोन लगाए गए यहां से कि तुम लोग जब वहां बैठो तो ऐसा ऐसा बयान देना है, और उन बच्चों के फोन इनको दिए गए, इनके नंबर दिए गए, आप CDR निकलवा लीजिए, असलियत आ जाएगी सामने, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाल लीजिए इनके, असलियत आ जाएगी, सब सामने आ जाएगी, है ना। तो उन बच्चों को कॉन्टैक्ट किया गया, फिर वहां पत्रकार बन के गए, पूरा स्टेज ड्रामा है जी, मोदी को कैसे बदनाम करें, इसमें भी कैसे बदनाम करें, मोदी ने अच्छा काम किया है तो बदनाम कैसे करें, आप मोदी को थोड़ी बदनाम कर रहे हो, मोदी की बदनामी थोड़ी हो रही है, तो देश की बदनामी हो रही है, ये काम तो देश ने किया है, बड़े शर्म की बात है। ऐसी गजब की सेटिंग हमने आज तक नहीं देखी कि पहले तो पता लगाओ अपने कौन कौन से बच्चे हैं, पार्टी में पूछो जो जो बच्चे उनके सबके नाम मंगवा लो, उनको जिन जिनसे बात हो उनसे बात कराओ भैया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके माँ बाप से भी किसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बात करी थी, क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी ने बात करके समझाया था क्या कि तुम अपने बच्चों से ऐसे बयान दिलवाओ और हम NDTV वाले को भेज देंगे? भाई सवाल तो उठेंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चों में यही कैसे मिल गई? खैर पोल खुल गई, ढोल बज गया, इवन TV विद एन एडिट ऑल्सो, मोहन जी वो तो सब साथ में ना, यूक्रेन इज यूजिंग इंडियन ह्यूमन शील्ड, रशिया रिमूव ऑल फ्लैग्स फ्रॉम देयर रॉकेट एक्सेप्ट, हो गया सर ये तो हो गया, सीजू नायर जी तो कल से चल ही रहा, कल ही हो गई तो सर पुरानी न्यूज़ हो गई ना नायर साहब। आइए अब ज़रा और देखें, वीडियो बड़े मस्त मस्त हैं, कुछ भी कहिए, हाँ फिर से NDTV आइए। अपना नाम बताए। मेरा नाम दिव्यांशु सिंह हुआ। हाँ मेरा नाम दिव्यांशु सिंह हुआ। जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी, ना कॉन्ट्रेक्टर के तरफ से ना हमारी एम्बेसी के तरफ से। जो हमने किया हमने खुद किया, हम लोगों ने ऐसे ही कुछ 10 लोगों की खुद से ग्रुप बनाई, हम लोग इकट्ठा हुए और फिर वहां से हम लोग ट्रेन पकड़े और निकल गए। ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। ट्रेन पकड़े समझ गया ना कौन है? ऐसे नहीं कि हम लोग हमारी सिटी से लेकर लिविव तक आने में लोकल पीपल ने हमारी मदद की, ऐसे नहीं कि हम लोग के साथ कुछ बुरा बर्ताव हुआ। हाँ पोलैंड बॉर्डर पे हुआ कुछ लोगों के साथ, कुछ स्टूडेंट के साथ, ये ठीक है। इसमें गलती हमारी गवर्नमेंट की है कि अगर गवर्नमेंट सही समय पे अगर सही तरीके से एक्शन ली होती तो हम लोग की इतनी परेशानी नहीं झेलना पड़ता। जैसे कि अमेरिका सबसे पहले अपना सिटीजन को बोला कि यहाँ निकलने के लिए। अरे भाई कहाँ से कौन सा नशा, अभी भी नशे में अमेरिका के सिटीजन तो खुद ही नहीं निकल पाए अभी तक। यहाँ पे हम लोग जब आ रहे हैं तो ये हमें दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या करके आए, इस फूल लेकर हम लोग क्या करने हैं? इससे कुछ नहीं होने वाली है, अगर कुछ हो जाती है हमारी फैमिली क्या करती है? अगर तो अपने बाप से पूछ के जाते, तुम्हारे पापा आए नहीं बचाने तुम्हारी फैमिली, उससे पूछ के गए थे फैमिली से, मतलब हमने ठेका लिया, हमारे पैसे का हरामखोरी होगी, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे हम इसलिए नहीं देते कि इनको बचा के लाया जाए, नहीं हमारा पैसा इसलिए नहीं है, हमारा पैसा एकदम क्लियर कट है, हमारा पैसा सड़कों के लिए, हमारा पैसा देश के विकास के लिए, इन बेवकूफियों के लिए नहीं है, उन गद्दारों के लिए नहीं है जो बाहर जाके वहां जाके बसने की सोच रहे हैं, वहां जाके
कमाने की सोच रहे हैं, वहीं रहने की सोच रहे हैं, जो सेल्फिश हैं एक नंबर के, खासकर ये वाले। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो वहां से भी भारत की सोचते हैं, जिनके दिल में भारत बसता है, इनके में नहीं बसता है। हम लोग के साथ ऐसा कुछ हो जाता है वहां पे, मानो हम लोग जैसे ही वहां से निकले, फिर उसके बाद कल होकर इवनिंग में वहां पे भी बमिंग शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले हम लोग सही टाइम पे एक्शन लिए, हम लोग खुद सोचे यहाँ पे कोई, हाँ फिर हमारे बाद लोगों को पता चला कि हाँ ये लोग निकल रहे हैं, तो फिर उसके बाद बाकी के बच्चे के लिए एक मतलब फ्री ये हो गया गाइडलाइन कि हाँ इस तरह से यहाँ पर आना है, फिर लोग आए आराम से, उन लोगों की को दिक्कत कम हुई, हम लोग को दिक्कत बहुत ज्यादा हुई। हमने जो कुछ किया, जो भी थे पता नहीं, मैं उनको नहीं जानता, ठीक है, वो उन लोग फूल बांट रहे, इसका मतलब क्या है, ये फूल अगर पहले बांटे रहते, अगर टाइम पर एक्शन लिए होते तो ये फूल बांटने की नौबत नहीं होती, ये सब जो दिखावा चल रहा है इसकी जरूरत नहीं पड़ती। 15 तारीख को जब एडवाइजरी जारी हुई थी तभी अपनी अम्मी की मैयत में रो रहे थे, इसलिए नहीं निकले थे वहां से, इनको लग रहा था हराम में निकलेंगे, और आखिर में हराम में ही आए, पैसे नहीं खर्च किए, इनको मालूम था, इनको ये मालूम था फ्री में आएंगे। सवाल ये उठता है क्या इसमें भी किसी बड़ी पार्टी का हाथ था कि तुम लोग मत निकलो वहीं रुको, मालूम तो सबको था कि युद्ध होने वाला है, कि प्रेशर बना के हम तुमको फ्री में निकालेंगे, उसके प्रेशर में लोग काम कर रहे थे क्या? देश पे कलंक ये लोग, इन्होंने गुलामी पसंद है, आत्मनिर्भर होना किसी को, ऋषभ जी गद्दार हैं सीधे सीधे। ऋषभ सिन्हा जी कहते हैं लेफ्ट कार्टेल वाज ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, विकिपीडिया लॉट्स ऑफ फॉल्स इन्फो ऑन ऑपरेशन गंगा बेस्ड ऑन आर्टिकल फ्रॉम एनडीटीवी वायर प्रिंट हिंदू। विकिपीडिया को तो बैन ही कर देना चाहिए सर, दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, ठीक है ना। आइए तो इनका ये कहना है, अब आपको असली असलियत दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों ने एक वीडियो ऐसा भी आया जिन्होंने बोला कि हम तो 800 किलोमीटर दूर हैं, 1000 किलोमीटर दूर हैं, हम वहाँ तक जाएंगे कैसे पोलैंड तक, तो हमको रशिया वाले बॉर्डर से निकालो। तो डे वन से कहा जा रहा है कि रशिया वाले बॉर्डर पे आ जाओ, रशिया वाले बॉर्डर से निकाल दें। आइए जरा देख लें, रशिया सेज इट्स बसेस रेडी टू इवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट्स फॉरनर्स फ्रॉम यूक्रेन। लीजिए साहब, ये कैसे हो गया? रशिया तो कह रहा है हमारी बसें तैयार हैं आपको इवैक्यूएट कराने के लिए, भारतीय स्टूडेंट्स को यूक्रेन से। कहां कहां से निकालने को तैयार है? देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स एंड अदर फॉरेनर्स फ्रॉम वॉर टोन यूक्रेन खारकोव एंड समी सिटीज रशियन बैंगलोर। तो जो इधर का जो बॉर्डर रशिया का, उस बॉर्डर से सबको निकालने के तैयार है वो, तो फिर कैसे हो गया? फिर ये कैसे हो गया? 8000 स्टूडेंट्स जो अभी वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने की बात हो रही है, ये कैसे हो गया? और क्या बोल रहे हैं? The evacuees will be then transported to the city of Belgorod for subsequent departure to their homeland by air, including via Russian military airplanes. Russia अपने military airplanes भी देगा। अब क्या दिक्कत है? Russia तो घर पहुंचा के दे रहा है आपको, फिर क्या दिक्कत है भाई? Safe passage भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ये असलियत है और ये इनका झूठ पकड़ा गया, ठीक है? ऐसे बच्चे चिन्हित करके सरेआम बेइज्जत करने की जरूरत है? भावेश पटेल जी, मैं तो कहता हूँ जहाँ जाएं उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस सिटी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ जाएंगे, उनके पड़ोसियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके मुंह पर थूकें ताकि पता चले वाई एक्शन इज नॉट टेकन ऑन एनडीटीवी। सर पत्रकारिता सर ऐसी होती है ना, इसमें एक्शन नहीं होते सर, इस प्रकार का कोई एक्शन अमेरिका में भी नहीं होता, जहाँ पर है ना वहाँ पर भी कुछ नहीं होता, बहुत बहुत इम्यूनिटीज़ है ना। कि ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना, उसमें दो एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखना, तक हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा